अच्छा, तो ये कचरा भी हमने इकट्ठा किया है। अच्छा तो जनाबे वाला, अब हम नहा धो के रिलैक्स। अच्छा तो फिर दोस्तों, वीडियो हम करते हैं अब एंड। कोई ना उठाए मैं लगा सोन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो यार, आज हमने छत के ऊपर जाना था क्योंकि बारिशें हो के हटी हैं, तो छत बहुत गंदी हो गई है। तो अब छत के ऊपर चलते हैं, जाके वहाँ पे सफाई करते हैं छत की, क्योंकि छत के ऊपर, छत के जो एक कॉर्नर है ना, उसके ऊपर साथ है नीम का दरख्त लगा है, तो उसके पत्ते और उसके साथ जो उसका फल है नीम का, वो बहुत गिरते हैं बरसात के मौसम में। तो जिसने जो कॉर्नर है ना एक, वो बिल्कुल ही इसने गंदा किया हुआ है और स्मेल बहुत आ रही है। तो बारिशें होती हैं तो हम देख लें कि यार कहीं ना इसके अंदर सुराख ना हो जाए, हशरात वगैरह ना आ जाए, जिससे वो फिर छत ख़राब कर दें। तो छत के ऊपर चलते हैं, जाके चेक करते हैं कि कैसा है, तो जाके सफाई करते हैं। चले फिर हम छत पे मिलते हैं। अच्छा तो फिर दोस्तों, अब मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ। ये देखिए, आपको मेरे पीछे चीज़ें नज़र आती होंगी। इस वक्त मैं छत के ऊपर हूँ। ये साथ वाला घर हमारे तायाबू का है, बैक साइड पे चाचू का घर है। जाके हम दिखाते हैं, कैन जो है ऊपर, टेंकी जो पानी वाली, वो भी ऊपर पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, सारा ना का सामने काफ़ी गंद पड़ा हुआ है, उधर देख के इसको साफ़ करते हैं, क्योंकि बारिशें होती हैं ना, तो बारिशों के अंदर फिर उस जगह पे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। चलें फिर हम ज़रा सफाई करते हैं साथ फिर आप। अच्छा तो ये है जी हमारे तायाबू का घर। ये जी हमारी घर की जो है छत है। ये अशद साहब अपनी ज़रा शर्ट और किस कपड़ों के अंदर खड़े हैं। ये देखें, ये काफ़ी ना कचरा वगैरह को सिर्फ कॉर्नर के ऊपर है, तो यहाँ भी काफ़ी क्या कहते हैं कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ पर ना पानी खड़ा होने की, पानी अगर खड़ा हो जाए तो फिर बनाना नुकसान हो सकता है। तो चलें फिर इसकी जगह को साफ़ करते हैं। देखें बाकी सारा सुबह सुबह का माहौल है, अभी सूरज निकल रहा है। ये देखें सुबह सुबह का माहौल है। ये मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारे घर हैं और ये जो मीनार है, ये आपको जो छतें नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये मेरे चाचू का घर है, ये वाला हमारा साथ तायाबू का। और ये देखें सारे घर आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ गाँव के अंदर यही होता है कि साथ साथ घर होते हैं। सर ये देखें जी, सारा माहौल आप चेक करें। ये सामने एक हाथे के अंदर लोग रहते हैं। ये सारा देखें, पूरा फुल टिपिकल गांव का माहौल आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ये देखें, ये जी हमारा जो दरख्त आपको नीचे से नज़र आता है, ये वो है, इसकी टॉप के ऊपर हम आए हैं। ये हमारी नीचे चार पियाँ भी नीचे ही पड़ी हैं, अभी सो के उठे ही थे। अभी माहौल वही गया, तो बस सफाई करके फिर जब नीचे जाएँगे तो फिर इसको उठा लेंगे। चलें तो फिर हम अपने ज़रा ना इस कचरे की तरफ चलते हैं, जाके इसकी सफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। ये हम झाड़ू यहाँ पे ले आए थे, ये उठा के चलते हैं अब। चलो जी, कहाँ गया झाड़ू? ये रहा। चलो जी अब चलते हैं हम आगे। कचरा तो बहुत ज़्यादा है, कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह और टाइम से हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाए। उम्मीद करते हैं जी, अब सफाई शुरू कर रही है हमने, आस्ता आस्ता इकट्ठा हो ही जाएगा। कचरा था ही बहुत, मुझे हर नुक्कड़ के अंदर, हर कोने के अंदर जाना पड़ा। कचरा था ही बहुत ज़्यादा, इकट्ठा आस्ता आस्ता करना पड़ना था, बड़ी मुश्किल हो जानी थी। इस कॉर्नर के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा था, बड़ी मुश्किल से निकाला, और जो चूंटियाँ थी वो मेरे ऊपर चढ़ गई। बड़ी मुश्किल से झाड़ियों ना काट लेती ना, तो बड़ा मुश्किल हो जानी थी, बड़ा नुकसान होना था। और भी बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं जिस्म के ऊपर, हारिश बहुत होती है। इतना कचरा था, ये देखे कोनों के ऊपर इतना कचरा था, कितनी बड़ी मुश्किल से निकाल हो रहा था। दिख रहा था कि जमा हुआ है, लेकिन हम इरादा कर चुके थे, इसलिए हमें यह सारा काम करना था, और हमने अच्छी तरह से यह काम करना शुरू किया, और इंशाल्लाह ताला ये काम मुकम्मल भी हो जाएगा। क्योंकि अकेले पत्ते ही नहीं थे, ये देखे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी भी साथ बहुत ज़्यादा थी, तो मिट्टी के साथ पत्ते भी साथ जमे हुए थे। इतना जो काम ख़राब छत का हुआ था, सारी वजह थी कि बारिश हुई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से सारी छत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। हमें साफ़ करना मजबूरी थी, क्योंकि अगर साफ़ ना करते तो क्या कहते हैं, इसके अंदर बहुत से कीड़े मकोड़े आ सकते थे। सफाई करना मजबूरी थी, साथ अच्छी बात भी है कि छत साफ़ सुथरी हो जाएगी और अच्छी लगेगी।
अब सारा हम एक जगह पे इकट्ठा करके फिर यहाँ से हम उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितना दूर लेके जाएंगे उतना मुश्किल होगा। यहाँ ही सारा हम इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में कपड़ा लगा के अच्छी तरह यहाँ से हम उठा लेंगे और इसको फिर फेंक देंगे। कचरा था ही बहुत, समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इसको पहले काम शुरू करें, फिर जहाँ दिल किया वहाँ से हमने शुरू किया और इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ढेरियाँ लगाना शुरू कर दी जगह जगह, फिर हमने जहाँ पे था वहाँ पे इसको इकट्ठा करके इसकी ढेरी लगाना शुरू कर दी। हमने फिर जगह जगह जो ढेर लगाए ना उसका बड़ा फ़ायदा हुआ कि बाद में फिर जब हमने उठाया तो बड़ी आसानी से उठा हो गया। इसलिए मेरा शुरू से ही इरादा था कि जगह जगह पे ढेर लगा लें कि उठाना आसान हो जाए। अब इसका ढेर भी हम सारा यहीं इकट्ठा कर देंगे, इसे कहीं और नहीं लेके जाएंगे, कहीं और लेके गए तो बड़ा कचरा लंबा हो जाएगा। यहीं से हम सारा इकट्ठा कर लेते, साथ मिट्टी बहुत उड़ी थी, डस्ट इतनी ज़्यादा थी, लेकिन बस हमने कहा जब काम किया जो होना है अब होगा, चलो फटाफट हम अपना काम मुकम्मल करें, कि ज़्यादा सुबह होगी तो ज़्यादा धूप आएगी और तंग हम होंगे, क्योंकि ज़्यादा जब धूप आ जाएगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से बड़ा मसला बनेगा। ये देखिए सारे ढेर हमने अब इकट्ठे कर लिए हैं, ये देखो कितना ज़्यादा लग रहा है, ये सारे जो ढेर लगाए हैं इनको अब इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके फिर फेंक देंगे। ज़रा पानी पी लें भाई, गर्मी बड़ी लगती होती है, अब रेस्ट भी थोड़ी सी करें, थोड़ा पानी पिए और बाकी जो काम है वो सारा फिर आस्ता आस्ता करते रहेंगे। ये आप सामने का सीन देखे तो देखें क्या कमाल सीन है, यहाँ पर देखें जी अब हम करते हैं अपना काम दोबारा उठ के, ये जो थोड़ा सा कचरा रह गया था ये भी उठाना था, ये भी उठा लेते हैं और फिर इकट्ठा करके इसको डाल लेंगे एक बोरे के अंदर और फिर फेंक देंगे। ये देखिए कैन के साथ ना जो हमारी पानी वाली कैन लगी, टंकी लगी हुई है, इसके साथ ये पौधे बहुत लग जाते हैं, इसका क्योंकि पानी हल्का लगता रहता है तो जो जानवर वगैरह बीज वगैरह फेंक देते हैं यहाँ पे खा के, तो फिर वो पौधे दोबारा उग जाते हैं, तो वो इनको भी निकाल देना चाहिए वरना सारी टंकी ख़राब कर देंगे। जब हमने ये घर बनाया था तो मैंने इसकी एक जो ईंट है ना वो मैंने अपने हाथों से लगाई है, मुझे सब कुछ याद है, वीडियो तो नहीं बनी थी वहाँ उस वक्त, लेकिन पिक्चर दें इंशाल्लाह किसी भी व्लॉग के अंदर आपको वो सब चीज़ें भी दिखाऊंगा, सारा शो करूंगा कि क्या कहते किस तरह हमने काम किया था, क्या क्या वो उस वक्त थे। बड़ा देखें ना तो ये लगता है आपको नज़र आता होगा कि मकान पूरा घर बना हुआ है, लेकिन जब जिसका जो बनाने का था ना जो प्रोसेस सारा था वो मुझे सारा याद है, मेरी आंखों के सामने सब आ जाता है कि मैंने किस तरह ये चीज़ें बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान हिफ्ज़ भी कर रहा था उसके दौरान, ये घर बन रहा था मैं घर भी बनवाता था, फिर अपनी पढ़ाई भी करता था, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मैंने हिफ्ज़ कर लिया और माशाल्लाह ये घर भी हमारा बन गया है। अच्छा तो फिर यार सफाई सारी हमने अब कर ली है, अब कचरा इकट्ठा कर दिया है, अब इस कचरे को उठा के बोरे के अंदर डाल के तो उसे बाहर फेंकेंगे। अच्छा साफ स्वीपर और बोरा ले आए हैं, ये चीज़ें सारी इनके अंदर हम अब कचरा डाल के सारा फेंक देंगे। चलें फिर अब कचरा डालते हैं और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं कि धूप ज़्यादा ना निकले, क्योंकि जिस तरह ही धूप निकल आएगी दिन चढ़ जाएगा सही तरह। अब मतलब कि
सूरज निकल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जिस तरह ही थोड़ा टाइम होगा सूरज ज़्यादा आ जाएगा तो गर्मी बहुत हो जाएगी, अभी भी हो रही है, लेकिन हम फटाफट काम करते हैं और नीचे चलते हैं। अब जो सारा कचरा इकट्ठा किया है इस बोरे के अंदर हम डालना शुरू करेंगे। कपड़े सही करना बेहतर है, अच्छा नहीं लगता इस तरह करें तो। फिर हम कचरा डालना शुरू करते हैं इसके अंदर और साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। इसके अंदर मुझे लगता है थोड़ा ही आएगा, चलो जितना भी है हम डालते हैं इसके अंदर। अब डाली जा रहे हैं भाई जान, कचरा बहुत ज़्यादा है। चलें अब डालते रहते हैं, देखते हैं कितना इसका मुँह बकता है। अभी तो कुछ हम डाल लेंगे इसके अंदर, भर लेंगे। वो जो ज़्यादा पीछे पड़ा है मेरा ख्याल वो नहीं बीच में आएगा, ये तो आ जाएगा। चलो ये तो डाल लेना जो है। इन तमाम कचरे के अंदर ना जितना भी हमने ऊपर से उठाया है यार, इसके अंदर स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा हैं और अजीब सी इसके अंदर ना अजीब स्मेल आती है जो जिस्म के अंदर चली जाती है, बिल्कुल ही तबीयत ख़राब करती है ये। अब ये सारा ये जो ढेर है ना इस कपड़े के अंदर हम बांधेंगे, देखते हैं जी कितना आता है। मुझे तो नहीं लगता एक बारी में पूरा आएगा। चलें अगर हाफ ऑफ करके भी आ जाए तो ले जाते हैं, क्योंकि उठाना ज़रूरी है यहाँ से। कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, अल्लाह बचाए के लड़े ना तो बड़ा नुकसान होगा, फिर निशानात बन जाते हैं और सूज जाती है वो जगह जहाँ पर लड़ता है ये। चलें जितना अब कचरा आता है इसके अंदर ये डालते हैं, फिर अगली दफ़ा फिर डाल लेंगे। अच्छा तो ये कचरा भी हमने इकट्ठा किया है, अभी ये थोड़ा सा पड़ा है और अभी वो काफ़ी बड़ा कचरा जो उठाने वाला है। तो इस कचरे को पहले हम फेंकें जो हमने इकट्ठा किया है, इसको फेंकने के बाद फिर बाद में इसके अंदर ही मेरा ख्याल है कि एक ये बोरा और ये एक जो पंड बनाई है हमने ये दोबारा बन जाएगी। इससे पहले फेंकें तो फिर उसके बाद दोबारा हम इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अच्छा तो भाई जान इस वक्त मैं बैठा हूँ अपने घर की शेड के ऊपर, ये देखें आपको शेड नज़र आ रही होगी, मैं इस शेड के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। तो क्या कहते हैं आप इस शेड के ऊपर बैठ के थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उतनी देर अच्छे कचरा फेंक है, बाद में हम फिर कचरा इकट्ठा करने जाएंगे। चले फिर थोड़ा सा सांस ले ले उतनी देर, शेड के ऊपर बैठ के थोड़ा माहौल इन्जॉय करें, बस जितनी देर में अच्छे कचरा फेंक के आता है। ये जब आखिरी ही रह गया है, बाकी माशाल्लाह जी छत हम अशज ने और मैंने हम दोनों ने मिलकर ये छत का सफाया कर दिया, साफ़ सुथरी कर दी। स्मेल थी बहुत ज़्यादा इस छत के अंदर, जो छत पे कचरा पड़ा था इसकी इतनी स्मेल थी, ऊपर गर्मी हबस अजीब सा मौसम बना था, लेकिन हमने कहा जो हमने काम करना है वो करेंगे। ये नीचे चार पड़ेंगे, चलें कोई बात नहीं। अच्छा साहब नीचे अच्छा साहब अपनी शर्ट शर्ट सेट कर रहे हैं, करो जनाब वाला नीचे उतरे हैं अब। ये देखें काफ़ी मौसम, अब धूप काफ़ी निकली, चलो अल्लाह का शुक्र हमारा काम भी अब ख़त्म हो गया। अब चलें इसे सामान जो थोड़ा सा कचरा अब रहता है इसे नीचे फेंक के हम भी नीचे चलते हैं। चले तो फिर अब ये देखें सफाई कितनी हो गई, माशाल्लाह जी सफाई होगी अच्छी तरह। अब चलते हैं हम नीचे ये कचरा फेंक के। अच्छा तो जनाब ये सारा कचरा देखें आपको सामने पीछे हमें सारी सफाई नज़र आ रही होगी, ये देखिए शुक्र अल्लाह की जी सारी सफाई हो गई है, साफ़ जगह हो गई है। मेरी हालात देखें पसीने से भरा पड़ा हूँ, गर्मी लग रही है। अब नीचे उतरते हैं, जाके पानी ठंडा पीते हैं, हवा के आगे बैठते हैं और फिर नहा धो के अपने आप को रिलैक्स करते हैं। चलें जी फिर अब हम नीचे उतरते हैं, कचरा सारा फेंक दिया है, अब नीचे उतर के बाकी आपसे बातें अब नीचे होंगी। चलें फिर चलते हैं नीचे। ये देखिए जो हमारे हमसाए हैं वो भी यहाँ पर छत पर रात को ये चार पहियाँ पड़ी हैं, पंखा लगा हुआ है, यहीं सोते हैं। गाँव के अंदर माहौल यही है भाई, बाहर सहन में सोने का मज़ा ही अपना आता है। शहरों के अंदर को पता है घर छोटे छोटे होते हैं तो बाहर जगह ही नहीं होती सोने की, गाँव के अंदर बड़े बड़े घर होते हैं, सहन होते हैं तो बाहर आराम से हम सोते हैं। मज़ेदार माहौल ये देखे सूरज निकल रहा है, सूरज अब पहले ये शुरू में आपको दिखाया था सूरज थोड़ा था, अब देखे सूरज कितना निकला है बाहर। चलो ये फटाफट हम नीचे चलें, अब तो धूप तेज़ होती जा रही है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। चले अब नीचे को हम चलते हैं। अच्छा तो भाई जान अब सफाई ऊपर से कर रहे हैं, नीचे आ गए हैं, गर्मी बड़ी पसीना हो तबाही मच चुकी है। मेरा मुंह देखें आपको नज़र आ रहा होगा चिकनाई से भरा हुआ है। इस कमरे की ज़रा लाइट एक मिनट चला लो, मेरे हालात बड़े ख़राब हुए हैं पसीने से, स्मेल अपने ऐसे अंदर से आ रही है स्मेल, बरसात की स्मेल। अब ज़रा कपड़े निकाल के तो फिर नहाते हैं, नहाने के बाद आपसे मुलाकात होगी, उस देर के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। मैं ज़रा फटाफट अब ज़रा नहा लें, नहाने के बाद आपसे मुलाकात होगी, ज़रा दो सेकंड, मतलब कि
बहुत टाइम तो लगेगा नहीं क्योंकि वीडियो साथ जुड़ती रहेगी जुड़ती रहेगी जुड़ती रहेगी। मैं नहा के भी आया। अच्छा तो जनाबे वाला अब हम नहा धो के रिलैक्स, अभी मैं नहा के निकला हूँ, थोड़ा अपना फुली माहौल मज़ेदार बन गया है, ठंडे ठंडे पानी से नहाया था, साथ ही अब मुझे कॉल, अच्छा जी अब कॉल आ गई है नाश्ते की, नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ते के बाद आपसे सारी बातें करते हैं। अभी नाश्ते के दौरान कोई बात नहीं करने का दिल कर रहा क्योंकि अब फुल भूख लग चुकी है, क्योंकि काम काफ़ी किया है, अब भूख लगी है जिसे वो पंजाबी में कहते हैं अंता दी भूख लगी मैनू, हूँ खाना खा लें दो तो फिर थोड़े गल करते। अच्छा तो फिर दोस्तों वीडियो हम करते हैं अब एंड। अब बहुत थक चुका हूँ, नाश्ता कर लिया, नहा धो लिया, अब आंखें बंद हो रही हैं, नींदें आ रही हैं, भाई साहब फुल दिमाग उड़ा हुआ है अब इस वक्त। अब एंडिंग करते हैं यार, इस मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को लाजमी दबाया करो और मेरे यार वीडियोज़ देखा करो, सब्सक्राइब कर लेते हो वीडियोज़ देखते नहीं हो, वीडियोज़ भी देखा करो। चलो तो ठीक है भाई यार, अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह जगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई ना उठाए मैनू, मैं लगा सोना।